तो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 1 ऑफ 75 डे हार्ट चैलेंज। तो तुम लोग अभी समय देख सकते हो, अभी 2 बज रहा है और सच में हम अभी अपने पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नॉट सो कूल, पर क्या करें यार, हमको थोड़ा सा एक्टिव फील ही होता है थोड़े से लेट से ही, बट अगर लेट से स्टार्ट किए हैं तो लेट तक पढ़ेंगे। और तुम लोग पूछ रहे थे ना कि इतने दिन से तुम किधर हो यार, बोलती थी 4 सितंबर से व्लॉग लाएगी, 4 सितंबर से स्टार्ट करोगी, किधर थी? इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बाद में बात कर लेंगे, पहले अपना शेड्यूल बुला लेते हैं। जीवन काटो ना, जीवन को प्यारो अर्थाओ। ये रहा मेरा आज का डेली शेड्यूल। वैसे मैं अपना डेली शेड्यूल जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करने की कोशिश करती हूँ, तो अगर आप फॉलो नहीं किए तो कर सकते हैं। हाँ, तो फिर बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि तुम तो बोली थी कि 4 सितंबर से शुरू करेगी और इतना लेट कैसे कर दी। तो देखो यार, ये चीज का शायद जवाब बहुत लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, मेरा ना सर्दी और बुखार हो गया था बहुत कसके वाला 2-3 दिन तक, जिसके कारण ना हम बिल्कुल फोकस नहीं कर पाए। हालांकि हम सोच रहे थे कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पर इतना खराब हालत था कि बेड से भी उठा नहीं जा रहा था, तो इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। कोई बात नहीं यार, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से नोट्स मांगते हैं। अरे भाई, हम कैसे बताएं, मेरा नोट्स मतलब समझो कि क्या है, मतलब ऐसा राइटिंग में हम लिखते हैं जो कि सिर्फ हमको समझ में आए, मतलब खिचड़ी रहता है पूरा। हाँ, जहाँ तहाँ कुछ भी लिख देते हैं, तो ऐसा मेरे पास ऐसा होता है ना, तो पूरा अच्छे से डिजाइन से नोट्स, वैसा नोट्स मेरे पास नहीं है यार। अगर होता तो हम सच में सेंड कर देते। ओके, तो गाइज अभी 4 बज रहा है और मेरे स्टूडेंट्स अभी आएंगे, तो इस एरिया में वो लोग पढ़ेंगे, तो फटाफट इस एरिया को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं एंड फिर पढ़ाने के बाद आपसे मिलते हैं। ओके, तो फिर यार मेरा अभी ट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, पर अभी हम क्या सोचे थे कि अभी हम अपना एक्सरसाइज करेंगे, हम एक्सरसाइज, बट ना अभी हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमको मम्मी को लेने जाना होगा। तो फिर चलते हैं, मम्मी को लेकर आते हैं, उसके बाद फिर आके अब सीधे शायद पढ़ाई करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज का तो टाइम मिलने वाला नहीं है। तो फिर लेट्स गो। तो फिर ये देखो यार, सोचे थे कि एक्सरसाइज करेंगे, पर एक्सरसाइज का तो छोड़ो, यहाँ पे हम फुचका ठूस रहे हैं। ठीक है, तो यार अभी हम घर पहुंच चुके हैं और अभी हम पढ़ेंगे लॉ, और देखते हैं लॉ का भी लेक्चर्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रात में इसका रिवाइज कर लेंगे। यार एक सवाल बहुत आप लोग पूछते हो कि आप कॉलेज नहीं जाते हैं क्या? मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरा मैनेज ही नहीं हो पाता है टाइम। तो देखो, कॉलेज हम बहुत कम जाते हैं यार, मतलब अभी ही गए थे हम कॉलेज, अभी कुछ एग्जाम चल रहा था इस कारण हम कॉलेज गए थे, और वैसे हम वीक में 1 या फिर 2 दिन जाते हैं कॉलेज, क्योंकि मेरे कॉलेज में ना अटेंडेंस का लफड़ा नहीं है। जिस जो कोर्स हम चूज किए उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको 75% अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है, ऐसा कुछ है नहीं। और फिर मेरे कॉलेज में ना डेली जाके समझो टाइम वेस्ट है, क्योंकि पढ़ाई तो कुछ होता नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि घर में ही रह लेते हैं और घर में ही पढ़ाई करते हैं, पर कभी कभार जाना पड़ जाता है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। और आप लोगों का बोल रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है कॉलेज चले जाएंगे, तो
देखो कॉलेज जाना कम करो यार, मतलब जितना हो सके उतना कम करो। आप टीचर से बात करके देखो कि कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, क्योंकि फिर आपको टाइम मैनेजमेंट पे नहीं हो पाता तो फिर आपको करना पड़ेगा कोशिश, तो क्योंकि फिर दिक्कत है ना। यार सर का लेक्चर का लेंथ देख रहे हो, 9 घंटा का है। अच्छा तो यार अभी 12 बज चुका है और मेरा आज का टारगेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बस कुछ नहीं, बस 15 मिनट तक बुक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सोने चले जाएंगे। तो फिर तब तक तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ। बाय बाय।